तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो वुमेन्स सीपीएल टी20 लीग आज से स्टार्ट हो रही है। वुमेन्स की भी स्टार्ट हो रही है और भाई मेन्स की भी स्टार्ट हो रही है। पहले मैच खेला जाएगा वुमेन्स का, जो कि पहला मैच है जो खेला जाएगा त्रिनबागो नाइट राइडर्स वर्सेज बारबाडोज रॉयल्स के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और भाई पहला मैच है, पहला मैच ग्रैंड लीग के लिए हमेशा जैकपॉट होता है क्योंकि यहां पर प्लेयर्स के बारे में काफी कम लोगों को पता होता है और आप इस चीज का फायदा उठा के यहां पर ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। एक एक प्लेयर के स्टैट्स यहां पर आपको बताने वाला हूं, तो टेंशन फ्री रहिए, बस आपको वीडियो देखनी है 10 से 15 मिनट की जितने की बनेगी भाई ये, और उसके बाद भाई आपको सिर्फ वेट करना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर फाइनल अपडेट का। और मैच की अगर पहले डेट एंड टाइमिंग की बात करते हैं, यहां पर डेट की बात करें तो भाई 1 सितंबर, क्योंकि भाई कल मतलब अभी तो जैसे 9:37 हो रखी है 31 अगस्त की, और भाई फिर 1 सितंबर लग जाएगा रात को 12 बजे बाद, तो भाई यहाँ पर मैंने 1 सितंबर डेट लिखी है। और मैच की टाइमिंग की बात करें तो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 12:30 पर रात को मैच खेला जाएगा। वेन्यू की अगर बात करें तो वार्नर पार्क बेस्टर सेंट किट्स वेस्ट इंडीज में मैच होने वाला है। और भाई ये ग्राउंड है ना हाईली बैटिंग फ्रेंडली रहता है टी20s में, स्पेशली भाई यहाँ पर जब जैसे डोमेस्टिक लेवल के मैच है ना उनमें हाई स्कोरिंग बनते हैं। आगे मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूं, तो सारी चीजों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई वीडियो को लाइक करके देखना स्टार्ट कीजिएगा ताकि यार मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोज बनाता रहूं। अब चलिए भाई, लाइक तो आपने कर दिया और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपको आने वाले मैचेज की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी और बिना नोटिफिकेशन के भाई आप जान नहीं पाओगे कि कौन सा मैच आपके लिए अच्छा है कौन सा मैच आपके लिए खराब है। अब अगर यहां पर भाई बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो अगर अभी तक भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। अभी आप पहले जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, पहले रिजल्ट देखिएगा उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। जैकपॉट मैचेज आपको दिलवा रहा हूँ और लास्ट सीजन पूरा सीपीएल हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन गया था, ये सीजन भी कुछ वैसा ही जाएगा अगर आप ध्यान से वीडियोस को देख के लॉजिक को समझने की कोशिश करोगे तो। अब अगर भाई टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इसी वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में दे रखा है, तो जाइए भाई पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए क्योंकि फिर आप बाद में भूल जाते हो। सबसे पहले बात करते हैं भाई वेन्यू के रिकॉर्ड्स की, तो 69 मैचेस यहाँ पर खेले गए और ये मैं स्पेशली आपके लिए डोमेस्टिक मैचेस का रिकॉर्ड लेके आया हूँ, जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 31 मैच विन किए और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 37 मैच विन किए। वुमेन्स का मैच है तो भाई 140 से 160 के बीच में एवरेज स्कोर मैं मान के चल रहा हूँ, मैंस के मैच में भाई 170 के आसपास का एवरेज स्कोर हो जाएगा। स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 150 से नीचे का स्कोर 21 बार बना है, 150 से 170 बीच का स्कोर 25 बार, बात करें अगर यहां पर 170 से 190 के स्कोर की तो 9 बार ये भी बना है, और इसके अलावा यहां पर भाई 190 प्लस का स्कोर 14 बार बना हुआ है, तो यानी कि हाई स्कोरिंग भी यहां पर मैचेस काफी होते हैं। टेलीग्राम के बारे में मैं आप बार-बार नहीं बताऊंगा भाई, आप इसी अभी जाइए पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं तो ये बोलूंगा भाई पहले आप देखिए कि वहां पर प्रेडिक्शन किस लेवल की चल रही है उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। अब अगर बात करें यहां पर भाई त्रिनबागो नाइट राइडर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11, जो वुमेन्स का मैच इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स की, तो यहाँ पर भाई कायसिया नाइट आपको दिखेंगे, 67 मैच खेले और 777 रन है, काफी बेहतरीन प्लेयर है, ओपनिंग करती नजर आ सकती है, मस्ट पिक रहेंगी। इसके अलावा भाई नताशा मैकलेन आपको खेलती दिखेंगे, 36 मैच में 419 रन है, और यहाँ पर भाई डेंड्रा डोटिन ओपनिंग करती नजर आएंगी, तो नताशा मैकलेन भाई नीचे खेलती नजर आएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सोने लूस की, तो 91 मैचेस में भाई 931 रन है, 48 विकेट है, लेकिन रिसेंट टाइम में क्या देखा गया है ये ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रही है, लेकिन डोमेस्टिक मैचेस में बॉलिंग करती है, इंटरनेशनल मैचेस में अब इन्होंने बॉलिंग करना काफ़ी कम कर रखा है। ली एंड किर्बी की बात करें तो 9 मैच में 59 रन है और 1 विकेट है, बट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, डोमेस्टिक लेवल पर परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहते हैं तो आप जरूर से अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। कायसोना नाइट की बात करें तो यहाँ पर 49 मैचेज में 468 रन है और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, बस बैटिंग ऑर्डर देखना रहेगा कि कहां पर बैटिंग करती है, उसके बाद ही टीम में ट्राई कीजिएगा, इस लेवल पर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। इसके अलावा स्टीफी सुरग्रीम की बात करें तो आप देख सकते हो 5 मैच में 8 विकेट और 70 रन, उभरती हुई खिलाड़ी है, बहुत ही बड़ी डिफरेंशियल पिक आपके लिए हो सकती है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। बात करेंगे डेंड्रा डोटिन की तो 127 मैच इन्होंने खेले और 2697 रन, यानी कि ऑलमोस्ट 2700
रन है, 62 विकेट भी है। ये विकेट भाई इन्हें सारे के सारे डोमेस्टिक लेवल पर ही मिले, इंटरनेशनल मैचेज में बहुत कम बॉलिंग करती है और बहुत कम बॉलिंग करती है तो विकेट्स भी भाई काफ़ी कम ही मिलेंगे। हेली जैनसन की बात करें तो 45 मैच में 36 विकेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मोस्टली अपने कंप्लीट ओवर डालती नजर आएंगी। अनिशा मोहम्मद यहाँ पर इनके पास एक्सपीरियंस है, लोकल प्लेयर है यहाँ की और भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा शानदार प्लेयर है, ग्रैंड लीग में कैप्टनसी की एक बेहतरीन चॉइस बनती है। 117 मैचेज में 125 विकेट निकाल चुकी है। बात करेंगे सेनेटा ग्रीमंड की तो 9 मैच में भाई 51 रन है प्लस 2 विकेट है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। इसके अलावा गीतिका कोडाली की बात करें तो 6 मैच में 3 विकेट है और 31 रन है, बहुत बड़ी डिफरेंशियल पिक हो सकती है ग्रैंड लीग में, तो जाके जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ से अगर मस्ट हैव पिक प्लेयर्स की मैं बात करूँ आपके लिए तो जो आपके लिए रहेंगी उसमें भाई कायसिया नाइट रहेंगी, नताशा मैकलन, सोने लूस और इसके अलावा भाई नीचे अगर आप आ जाओगे तो भाई यहाँ से स्टेफनी गुरग्रीम और यहाँ से भाई डेंड्रा डोटिन और एली जेंसन या अनिशा महमूद में मोहम्मद में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हो। अब बात करते भाई यहां पर दूसरी टीम की, बारबाडोस रॉयल्स की, लेकिन उससे पहले भाई अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब अगर बात करें यहाँ पर बारबाडोस रॉयल्स की टीम की तो यहाँ पर भाई देखते हैं जो रेनिस बोयस है इन्होंने भाई रिकॉर्ड्स बिल्कुल ही ख़राब है, लेकिन ये ट्रंप कार्ड प्लेयर आपके लिए रहेंगे क्योंकि जो अभी 60 वुमेन्स का टूर्नामेंट था उसमें लगातार ओपन किया है और लगातार जैकपॉट परफॉर्मेंस दी है बंदी ने। और यहाँ पर T20 है तो अपने आप को अगर टाइम देके खेलेगी तो लंबी इनिंग भी खेल सकती है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। इसके अलावा जो चलो क्लोइ ट्रायन की बात करें तो भाई आप देख सकते हो 77 मैच है, 877 रन है और 23 विकेट भी है, बॉलिंग भी करती है बैटिंग भी करती है, बॉलिंग कभी कभी नहीं भी करती है बट बैटिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखना बस यही इंपॉर्टेंट रहेगा कि बैटिंग ऑर्डर इन्हें कौन सा दिया जाता है, अगर भाई इन्हें एज ए फिनिशर खिलाया जाएगा तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी क्योंकि फिर नीचे आके इनके पास इतनी बॉल्स नहीं बचेंगी, बट अगर मिडिल ऑर्डर या फिर अपर मिडिल ऑर्डर में खेलती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। ब्रिटनी कूपर ओपनिंग करती नजर आ सकती है, 73 मैच में 608 रन है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। मैंडी मैंग्रू की बात करें तो एक मैच इन्होंने खेला है, 15 रन बनाए और वो भी भाई ओडीआई का मैच था। अब अगर बात करें भाई जफीना जोसेफ की तो इन्हें ये एकमात्र प्लेयर थी जिनके स्टैट्स हमारे पास नहीं मिले, और अगर इनके स्टैट्स ऑफिशियल साइट्स पर अवेलेबल होते तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, काफी सारे लोग आपको इनके स्टैट्स दिखा देंगे, लेकिन भाई ऑफिशियल साइट से अगर कोई स्टैट्स मेरे को मिलते हैं ना वही आपका भाई आपके सामने रखता है, तो अभी के लिए मेरे पास इसके लिए कोई स्टैट्स नहीं है। हेली मैथ्यूज कैप्टनसी की बहुत ही शानदार ऑप्शन, 64 मैच में 1100 रन 60 विकेट, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, जरूर से ट्राई कीजिएगा। आलिया अलैना की बात करें तो 17 मैच में भाई 8 विकेट है, 55 रन है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ट्रंप कार्ड पिक हो सकती है क्योंकि अगर टीम चाहे तो इन्हें ऊपर भी प्रमोट कर सकती है, बैटिंग में पावर हिटिंग का काम करती है, बॉलिंग में भाई विकेट टेकिंग गेंदबाज है बट बॉलिंग मिलेगी कितने ओवर ये फर्म नहीं रहता, कभी भी ओवरकट हो जाते हैं, ये इनके साथ एक दिक्कत रहती है, अगर थोड़ी भी महंगी साबित हुई तो इन्हें ओवर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो चिनेल हेनरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 32 मैच में 174 रन 8 विकेट, एवरेज प्लेयर है, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। शेकेरा सेलमैन की बात करें तो भाई 90 मैच में 49 विकेट है, लेकिन इकोनॉमिकल रहती है और कभी भी आपके लिए जैकपॉट प्लेयर हो सकती है, एक आध विकेट तो अभी रिसेंटली निकाल ही रहे लगातार, लेकिन कभी भी गुच्छों में भी विकेट ले सकती है। एफी फ्लेचर टीम की मेन गेंदबाज है, 50 मैच में भाई 43 विकेट निकाल चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। साना फातिमा की बात करें, डेथ में बॉलिंग करेगी, 55 मैच में 12 विकेट इन्होंने निकाले हैं, अगेन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पिक यहां से होने वाली है। अब अगर भाई बात करें डेमो टीम की तो डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले भाई टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट कर लीजिएगा। अब यहां पर भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ से भाई अभी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कायसिया नाइट को, आप चाहो तो आर बॉयज़ को ट्राई कर सकते हो बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चलूँगा। यहाँ से सी ट्रायन, सुने लूस दोनों मस्ट हैव पिक रहेंगी। इसके अलावा यहाँ से मैं ब्रिटनी कूपर के साथ जा रहा हूँ, आप अगर चाहो तो कायसोना नाइट के साथ जा सकते हो बट मैं नहीं जा रहा। इसके अलावा एस सूरग्रीम अगर प्लेइंग 11 में होती है तो ग्रैंड लीग में मस्ट हैव पिक रहेंगी, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो बट ग्रैंड लीग में तो मस्ट हैव पिक रहेंगी। लियान किर्बी को भी आप जीएल में जरूर से ट्राई
करके चलिएगा, काफी ज्यादा शानदार प्लेयर है। डेंड्रा डोटिन, हेली मैथ्यूज, हेली जेंसन आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप सी हेनरी, आलिया एलेने को भी अपनी टीम में रख सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर भाई सेकरा सेलमैन, अनिशा मोहम्मद दोनों मस्ट पिक रहेंगे। इसके अलावा भाई एफी फ्लेचर को अभी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप अगर चाहो तो एफी फ्लेचर की जगह पर क्यूना जोसेफ या फिर फातिमा साना को भी अपनी टीम में रख सकते हो। इसके अलावा जो हमारी फाइनल टीम रहेगी वो भाई बनेगी जब हमारे पास प्रॉपर प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की आ जाएगी। अभी के लिए मैं कैप्टनसी दे रहा हूँ भाई यहाँ से हेली मैथ्यूज को, क्योंकि ओपनिंग करेगी, डेंड्रा डोटिन ओपनिंग या वन डाउन खेलेगी, तो ये दोनों भाई हमारे लिए सीवीसी की अच्छी चॉइस रहेंगी। साथ ही साथ भाई चार चार ओवर की गेंदबाजी कन्फर्म मानिए आप इन दोनों से, तो ये एक इनके हित में पॉइंट जाता है, इनके साइड पॉइंट जाता है, जिसकी वजह से इन्हें कैप्टन वीसी बनाया गया है। अब अगर बात करें टीम के प्रिव्यू की तो टीम आपके सामने है। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो, अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके एंड कीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।